अस्सलामु अलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजार। दोस्तों, हमारे पास आ गया डिवाइस Realme का C35। काफ़ी लोग पूछ रहे थे दोस्तों, C35 एक बहुत बड़ी प्राइस में लॉन्च किया गया, मतलब 33,000 रुपये की प्राइस में, 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। हम पूरा ऑपरेशन करेंगे Realme C35 का, क्या ये फ़ोन वाकई बाय करना चाहिए, ऑनेस्ट ओपिनियन आपको एंड में देंगे, तो पूरी वीडियो आपने देखेंगे, साथ में कैमरा टेस्ट भी करेंगे इसका। तो चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। तो C35 के साथ करते हैं स्टार्ट। बॉक्स है Realme C35 का दोस्तों, ये देख सकते हैं बॉक्स बिल्कुल सिंपल जिस तरह Realme का होता है। यहाँ पर बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 5000mAh की बैटरी, 8.1mm अल्ट्रा स्लिम तो नहीं है खैर। यहाँ पर ग्लोइंग ग्रीन कलर है जो लोग काफ़ी बाय करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। डब्बा ओपन किया दोस्तों, उसके बाद एक छोटा सा फोल्डर है। यहाँ पर केस की भी जहमत नहीं की, मतलब कि आपको कवर नहीं मिलता, सिम डेटा टूल मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती हैं। इसके बाद आपको ये फ़ोन मिलता है जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार है। चार्जर हमारे पास जो अवेलेबल है दोस्तों, ये देख सकते हैं चार्जर, एक 18 वोल्ट का चार्जर है, 33 वोल्ट का चार्जर भी इंक्लूड नहीं किया गया। चार्जिंग केबल मिल जाती है हमें टाइप सी वाली, चलो ये तो ठीक है। जल्दी से बॉक्स को समेट कर साइड पर करते हैं भाई। बॉक्स समेटने के बाद फ़ोन को अनरैप करते हैं। ये भाई फ़ोन आ गया हमारे सामने, ये फ़ोन है। फ़ोन के आप लुक देख सकते हैं दोस्तों, लुक काफ़ी ठीक ठाक दे दी गई है और आपको एक शाइनी फ़ोन मिल जाता है बैक साइड से। काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है, थोड़ी भी नहीं है। ओवरऑल आपको लुक वाइज फ़ोन काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं शाइनी है, बैक साइड से पॉलीकार्बोनेट है लेकिन ग्लासी आपको फिनिशिंग मिलेगी बैक पर। इसके अलावा ब्लैक कलर भी मिलता है, लेकिन फ़ोन को पसंद किया जा रहा है शेप की वजह से। ये देखिए आईफोन की तरह शेप है। तो अब मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो ये फ़ोन बॉक्सी टाइप भी लगेगा, इसलिए फ़ोन को डिज़ाइन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, बॉक्सी टाइप है, आईफोन की तरह कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों आप इसे। पर ट्रिपल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल, +2 मेगापिक्सल और +0.3 मेगापिक्सल वाला डेप्थ कैमरा है। यहाँ पर भी कंजूसी कर दी है रियलमी ने। आपको 5000mAh की बैटरी यहीं कहीं मिल जाती है दोस्तों, 18 वोल्ट की चार्जिंग है, जल्दी चार्ज हो जाएगा। फ़ोन का फ्रेम भी प्लास्टिक का है। यहाँ पर साइड पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है और यही पावर लॉक अनलॉक वाला बटन भी है। और उसके अप साइड पर देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक है। लेफ़्ट साइड जो सिम ट्रे है 3 स्लॉट वाली है, उसके साथ वॉल्यूम की रॉकर्स दिए गए हैं। डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक, ये प्राइमरी माइक दिया गया दोस्तों। यहाँ पर टाइप सी वाली कनेक्टिविटी है, मतलब चार्जिंग पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल सिंगल स्पीकर दिया गया है। फ्रंट साइड की बात करें, यहाँ पर आपको एक नॉच डिस्प्ले मिलता है और नॉच में आपको कैमरा सेल्फी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही मिल जाता है, ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया। यहाँ पर आपको एक IPS LCD वाला पैनल मिलता है। यहाँ पर 6.6 इंचेस का नॉच टेक्नोलॉजी वाला IPS LCD वाला फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला पैनल मिलता है। ओनली 60Hz ही रिफ्रेश रेट दिया गया दोस्तों, 90Hz का भी तकल्लुफ नहीं किया गया। पांडा ग्लास दिया गया है, प्रोटेक्टिव जो गिलास है, और ओवरऑल आपको यहाँ पर कम से कम पंच होल तो देना ही चाहिए था, पंच होल नहीं तो एमोलेड ट्राई करना चाहिए था इस प्राइस रेंज के हवाले से। ओवरऑल आप कलर्स वगैरह ब्राइटनेस देख सकते हैं, यहाँ पर फुल ब्राइटनेस है और ये डिस्प्ले देख सकते हैं दोस्तों, ब्राइटनेस का अंदाज़ा आपको लग ही जाएगा दोस्तों। इस फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, फास्ट भी है दोस्तों, लेकिन बॉक्सी शेप में जो मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। फेस आईडी भी काफ़ी फास्ट है, फेस आईडी काफ़ी क्लियर है दोस्तों, फास्ट है। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर दिया गया दोस्तों वो एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है और रियलमी का R एडिशन दिया गया, मतलब रियलमी UI न्यू वर्जन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आपको मिलेगी, महसूस होगी दोस्तों, ओवरऑल सेटिंग्स वगैरह में ऑप्शंस तो काफ़ी चेंजिंग आपको महसूस होगी, लेकिन प्रोसेसर में चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर टाइगर चिपसेट दिया गया यूनिसोक T616 का, जो कि इतना हाईली रिकमेंडेड चिपसेट नहीं है दोस्तों, गेमिंग चिपसेट नहीं है, तो यहाँ पर कोई अच्छा मीडियाटेक का चिपसेट ही लगा देते तो वो भी बेहतर था। प्रोसेसर के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये फ़ोन, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर मज़ीद हम गेमिंग टेस्ट भी लेकर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन आपको डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। 8 थिकनेस है 8.1mm की, तो ये बॉक्सी शेप में इसलिए ज़्यादा है। तो डायरेक्टली हम कैमरा की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पर कैप्चर पोर्ट्रेट मोर में आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्लो मोशन का मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं मिलता दोस्तों। और
वीडियोस जो हैं आप यहाँ पर 1080p में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps में। लाइव सैंपल्स दिखाते हैं, फिर आपको और भी दिखाते हैं सैंपल्स। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिज़ल्ट आपको ठीक मिल रहा है। इस फ़ोन के फ्रंट एंड बैक से हमने काफ़ी सैंपल्स लिए, लाइव सैंपल्स आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट बैक से, तो रिज़ल्ट ओवरऑल आपको ठीक लगेगा, अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है दोस्तों फ्रंट से बैक से। लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत थी, ओवरऑल बैक नहीं बल्कि फ्रंट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। 16 मेगापिक्सल कम अज़ कम होना चाहिए था। रिज़ल्ट के मामले में एक नॉर्मल कैमरा आप डिक्लेयर कर सकते हैं, हाईली कैमरा नहीं। बैक फिर भी ठीक लग रहा है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, फ्रंट जो है वो भी नॉर्मल आप कह सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की वैसे ज़रूरत थी। ओवरऑल फ्रंट बैक डे लाइट में लो लाइट में आप रिजल्ट देखकर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको कैमरा। इस फोन का बैक कैमरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 1080p 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्काई का कलर देखें आप तो आपको एक नॉर्मल कलर दिखाई देगा, ओवर एक्सपोज थोड़ा सा कर दिया गया है लेकिन लाइट कैप्चरिंग का मसला ज़रूर दिखाई दिया बैक कैमरा में। यहाँ पर देखें फोकस करते हैं तो ओवरऑल ठीक है, फुल यहाँ पर सूरज जो है वो यहाँ पर सामने ही है बिल्कुल फ्रंट, लेकिन आपको रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। ये देख सकते हैं मतलब के थोड़ा सा डिटेल में फ़र्क महसूस हो रहा है, हालांकि डे लाइट है। यहाँ पर देखें मज़ीद आप डिटेल देखकर बता सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई ख़ास कैमरा दिया नहीं गया। उनका बैक कैमरा दोस्तों 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, लाइट्स काफ़ी चल रही हैं, दिन बनाया हुआ है हमने कमरे में, बिल्कुल रात भी नहीं समझे कि। यहाँ पर आप देखिए रिज़ल्ट का मामला, फोकस का तो ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल हमें दिखाई नहीं दे रही, फोकस ठीक है, कलर्स वगैरह भी ठीक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मज़ीद आपको दिखाएं तो कलर्स वगैरह को ठीक फोकस कर रहा है लेकिन डिटेल इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया लगता है फ़ोन को। बैक फिर भी कुछ चलो ठीक है फ्रंट से, तो फ्रंट कैमरा है। क्वालिटी आप माइक की चेक कर सकते हैं, क्वालिटी कैसी आ रही है आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर फ्रंट ऑफ सनलाइट था, ये अपोजिट ऑफ सनलाइट है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है सिंध में, 46 डिग्री तकरीबन है इस वक्त। तो ये रिज़ल्ट का मामला आप देखें कैसा रिज़ल्ट आ रहा है ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन मुझे फ्रंट कैमरा इस फ़ोन का पसंद नहीं आया, तस्वीरों में भी मज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देखकर बताइए कि कैसा आपको कैमरा लग रहा है। इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑडियो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा यहाँ पर हम रूम लाइट में चेक कर रहे हैं, हालाँकि 3-4 बल्ब चल रहे हैं सॉफ्ट बॉक्स के साथ, और यहाँ पर रिज़ल्ट कुछ खास नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, पिक्सल क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं नज़र आ रही। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया मेरे ख्याल में, तो रिज़ल्ट इतना ख़ास दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद आप बता सकते हैं दोस्तों कि कैसा रिज़ल्ट है, हम मज़ीद लाइट्स ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहेंगे, कैमरा टेस्ट भी आपने देख लिया, यहाँ पर एक ओवर प्राइस डिवाइस है दोस्तों, ये फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 4128 में 27 हज़ार का है जो कि 33,000 में दिया गया और मार्केट में ब्लैक में सेल हो रहा है। डिज़ाइन आपको अच्छा मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, 33 वोट की देनी चाहिए थी, कैमरा में और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, और उसके अलावा यहाँ पर ड्यूल स्पीकर का ऑप्शन भी होना चाहिए था, कम अज़ कम डिस्प्ले भी इम्प्रूवड होना चाहिए था दोस्तों। तो इससे बेहतर ये है कि आप इन्फिनिक्स नोट 12 बाय कर लें, या इससे और बेहतर इन्फिनिक्स नोट 12 G96 भी आप बाय कर सकते हैं, 8GB 128GB वाले मिल जाएंगे। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फ़ोन के बारे में ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।